हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी में प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी पे आपने आज जाना है, लॉगिन करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करके मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है लॉगिन। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गई डैशबोर्ड पे, आपके पास भी यहाँ पे आ जाएगी सीधा। आप अगर फ्रेशर तो नहीं होंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो साइन अप करना होगा आपको चैट जीपीटी में। उसके बाद आपने लॉगिन करना है, फिर आप यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको आने के बाद सेंड अ मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे जिस भी टाइटल पे आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। तो मान लो मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, इसी पे बना लेते हैं। यहाँ पे स्पेस डाल के मैं डबल कोट्स में लिखूंगी, प्रोवाइड प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दिस टॉपिक। यहाँ पर देखिए, ये मुझे इंट्रोडक्शन दे रहा है। यहाँ पर इसको हम चलने देते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें। जी लो जी, हम आ गए जहाँ पे वो बोल रहा है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। टॉपिक चूज करना है, सर्च करना है, मतलब ऐसे ये वाला उसने बता दिया। ठीक है, मतलब उसने मेरा जो टाइटल है उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट लेने के लिए हम अपना जो सर्च आइडिया है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखो, व्हाट इज कंप्यूटर विद लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स। यहाँ पर लिखो, पीपीटी ऑन दिस टाइटल। सर्च करने दो इसको, हमारी जो प्रेजेंटेशन है अभी बन रही है। ये देख लो, आपने स्लाइड वन में क्या लिखना है, स्लाइड टू में क्या लिखना है, स्लाइड थ्री में क्या लिखना है। ये देखो, देखते हैं कितनी हमें स्लाइड्स बना के देता है। ये लो जी, हमारी 11 स्लाइड्स जो है बन चुकी हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो था वो भूल जाओ, वो मैंने आपको बताया था कि आपने रिजल्ट कैसे लेना है। ऐसे मैंने लिखा तो मुझे इसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं मिला। तो आपने अपना जो सर्च करने का तरीका है उसको चेंज करना है। अभी देखिए हमें क्या क्या मिला है। यहाँ पर देखिए स्लाइड वन, उसमें क्या क्या लिखना है। टाइटल हो गया हमारा, ठीक है, आपका नाम आएगा, डेट आएगी, ठीक है, कौन सी तरीकों को आपने बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, इंट्रोडक्शन आ गई। ठीक है, मतलब ये वाली हो गई हमारी स्लाइड्स। अभी हमने इसमें कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड करो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको ऐड करो। ये आ गई डेफिनेशन, हो गई, इसको कॉपी पेस्ट कर देना। उसके बाद हम कंप्यूटर में क्या ऐड कर सकते हैं, जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर डबल कोट्स में लिख दो, पीपीटी ऑन दिस टाइटल। जेनरेशंस बहुत है कंप्यूटर की, तो इसकी जो एक लंबी पीपीटी बनेगी। करने दो इसको टाइप। अभी आपने करना क्या है, जहां से आपने डाटा उठा के अपनी एमएस पावर पॉइंट में जाके कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो आपको ही बनानी पड़ेगी, तो ये तो आपके बना के नहीं देगा। ठीक है, चैट जीपीटी ये आपको बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो आप बस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। न्यू चैट पे क्लिक करते हैं, नए टॉपिक पे सर्च करके देखते हैं अभी किस पे बनाई जाए प्रेजेंटेशन। हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, अभी इस पे देखते हैं हमने क्या क्या मिलता है।
प्रोवाइड पीपीटी ऑन दिस टाइटल। ये लो जी आपका कंटेंट रेडी हो रहा है, बस आपने कॉपी पेस्ट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। वो आपको बोल रहा है कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी जो मेथड है वो आपने यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हम ऐसा कोई आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, सिंपल लिखते हैं पीपीटी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लो जी यहाँ पर देखिए, टाइप करने देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितनी स्लाइड्स मिलती हैं। ये हो गई हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पीपीटी रेडी। एक्स्ट्रा अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ पर लिखो ऐड डेफिनेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ एआई। ऐसे आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप बस ऐड करते जाओ। ये देखिए स्लाइड टू से स्टार्ट हो गया, बस ये वाला कॉपी पेस्ट करते रहो अपने एमएस पावर पॉइंट में। उधर जाके आपकी जो है पीपीटी रेडी हो जाएगी। पीपीटी बनाने के लिए सबसे टफ जो है हमारे लिए होता है कंटेंट ढूंढना, तो वो ये चैट जीपीटी ने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है। कोई भी टॉपिक सर्च करो, आपको पीपीटी जो है बिल्कुल इजीली बन के जहाँ पे आपका जो कंटेंट है रेडी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।